गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सर? हालत खराब है और दिवाली अलग है। दिवाली के अलावा बच्चों सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर वो सब छोड़ो, 5 तारीख को हमारा AFM का पेपर और 3 तारीख को हम FR का पेपर देकर आएंगे 5 बजे। वैसे तो हर एक स्टूडेंट की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, और जिन अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना चुके हो तो इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सबका अपना तरीका है 1.5 दिन में कैसे रिवीजन किया जाए। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे रिवीजन किया था। इट मीन्स मैंने कब CA बनने के बाद आपको पढ़ाते वक्त मैंने किस तरह से रिवाइज किया था, सोच रहा हूँ कि यार कैसे काम हुआ जाए। मान लो आज की 3 तारीख है, FR का पेपर दे के आए हैं शाम का 5 बजे, तो पेपर दे के निकले होगे 3 तारीख को, निकलोगे मतलब 1 आध घंटे का ब्रेक चाहिए, मतलब 7 7 बजे के आसपास हम किताब उठाएंगे। अब करें तो कैसे करें? तो एक बात तो पक्की समझ लेना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार हमको एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, 100% याद रहेगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उस विषय में मत सोचिए कि एग्जाम में हमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरी जो समस्या आएगी वो समस्या ये आएगी कि पढ़ेंगे तो यार ये जो पढ़ रहे हैं ये हम एग्जाम में लिख पाएगी कि नहीं लिख पाएगी। एक्चुअली हम पढ़ते जाते और टेंशन अलग है, तो यार ये तो याद ही नहीं है जो पिछला पढ़ा था। या फिर जब बुक खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार कुछ याद नहीं है, पता नहीं क्या होगा, सब आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। आप बस अपनी ड्यूटी, आप मत सोचिए एग्जाम में हम लिख पाएगी कि नहीं लिख पाएगी, वो नहीं सोचना है। बस एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करें? रिवाइज अपने तरीके से कर सकते हैं, पर फिर भी मैंने कैसे रिवाइज किया था या मैं कैसे रिवाइज करवा रहा हूँ तो मैं आपको एक बार डिस्कशन करना चाहता हूँ कि यार काम कैसे किया जा सकता है 1.5 दिन में। और मैंने किया हुआ है तो उसका मैराथन जो मैंने पिछला चेंज हुआ नहीं है तो पिछला जो मैराथन रिकॉर्ड किया था वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जब आप आओगे 3 नवंबर को तो बड़ी मुश्किल से 7 बजे से, देखा जाए तो 7 बजे से कितने बजे तक, 4 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। और ऐसा जिसमें हमको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, ऐसा कुछ काम करें, और वो है कि 4 घंटे में हम 2 चैप्टर खत्म कर सकते हैं, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एक म्यूचुअल फंड। सर ये 4 घंटे में खत्म हो सकता है कि? हाँ जी, उसका मैराथन डला हुआ, मैंने 4 घंटे में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड खत्म किया हुआ है। बहुत कुछ चेंजेस है नहीं है, तो वही जो मैंने पिछला मैराथन रिकॉर्ड किया था वो अपलोड कर देता हूँ। 3 नवंबर को हमारा यही काम होगा, हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड खत्म करेंगे। 4 नवंबर को थोड़ा हमारा हैक्टिक शेड्यूल रहेगा, ब्रेक से पहले तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे अगर मैं कहूँ, क्योंकि 4 नवंबर को थोड़ा सा आप सो चुके होगे, थोड़ा सा फ्रेश माइंड रहेगा, तो मुश्किल टॉपिक पहले खत्म करेंगे, डेरिवेटिव्स, उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद फॉरेक्स। सर अगर हम फॉरेक्स छोड़ दिए तो हम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, टेंशन खत्म। अगर आपने पहले कोई चैप्टर नहीं किया है तो यहाँ वो चैप्टर उठाने की जरूरत नहीं है, आप डर जाओगे। अच्छा सर हम क्वेश्चन बनाकर करेंगे कि मत करना? अगर क्वेश्चन बनाकर करोगे, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि यार चलो ना यार 2 4 क्वेश्चन बनाकर देख लेते हैं, तो बेटे बनाने में आधा घंटा निकल जाता है। सच ये, कैलकुलेटर चलाओ या एक बार रफली देखो, अगर आप बनाकर करोगे तो आपसे पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, सच्चाई यही है। तो सर बस ऐसे पेज पलटते जाए देखते जाए, बस उतना ही टाइम है हमारे पास। मैंने करवाया है ना, मैंने कैसे करवाया, कैलकुलेटर थोड़ा बहुत चला लेना, मेरा मैराथन देखोगे समझ में जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे रिवीजन करवाया और कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। तो डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और फॉरेक्स पहले 7 घंटे में कवर हो जाएंगे, और मैंने मैराथन जो डाला है उसमें मैंने 7 घंटे में कवर करवाया है, ठीक है? उसके बाद ब्रेक लेना, 7 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर नहीं पाओगे, चाय कॉफी पीते हुए खत्म करो 7 घंटे। मतलब यार टोटल 4 नवंबर को हमारा टारगेट कितना है? मुझे नहीं लगता कि 10 घंटे से ज्यादा पढ़ पाओगे, और अगर पढ़ पाते हो तो वाह, आपसे महान कोई नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़ पाओगे तो 7 घंटे में ये 3 चैप्टर खत्म होते हैं, और मैंने किया है उसका मैराथन, मैं आपको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन।
और फिर बचे हुए 3 घंटे में एडवांस कैपिटल बेस्टिंग होगा, AFM होगा, सिक्योरिटी एनालिसिस होगा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन होगा। हालांकि मैंने जो करवाया है, मैंने इसका भी मैराथन डाल रखा है, एडवांस कैपिटल बेस्टिंग, IFM, सिक्योरिटी एनालिसिस। और सिक्योरिटी एनालिसिस में एक ही क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट में भी एक ही क्वेश्चन है, वार वाला वैल्यूएटर, ये एक एक क्वेश्चन है जिसमें छोड़ के नहीं जाना। कुछ बच्चों का कहना सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का तो क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले अटेम्प्ट में आ चुका है, मुझे पिछले अटेम्प्ट में क्या आ चुका है क्या नहीं आ चुका उससे कोई मतलब नहीं, देख के चले जाना। AFM भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और एडवांस कैपिटल बस्टिंग में भी बहुत मुश्किल नहीं है, सेंसिटिविटी एनालिसिस एक बार देख कर चले जाना, ठीक है। अगर पढ़ पाओ तो 3 को 4 कर लीजिए, पर ये हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, थियोरी बचा है और बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर बचा हुआ है। तो अगर देखा जाए 5 नवंबर को अगर 2 बजे पेपर है और हम 12 बजे भी घर से निकलते हैं, हम 11 बजे भी अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं, 7 बजे सुबह उठते हैं, सर 6 बजे उठते हैं, 1 घंटा तो भी हमारे पास 4 घंटे का सफिशियंट टाइम होता है, और उसमें बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर और थियरी, ये सब कुछ हो जाएगा। हालांकि थियरी का मैराथन 2 घंटे का मेरा डला हुआ है ऑलरेडी, इट मीन्स 2 घंटे में आपका बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर आराम से होता है। और अगर सर किसी तरह से प्लानिंग में एक आध टॉपिक छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मर्जर इसलिए मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि मर्जर में बहुत चीजें याद करने वाली है नहीं है, वही स्वैप रेशियो है, वही क्योंकि पहले किया हुआ है मर्जर तो उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा चीजें है नहीं है, इसलिए मर्जर लास्ट में। बिजनेस वैल्यूएशन में हर क्वेश्चन नया है, इसलिए बिजनेस वैल्यूएशन एक बार देख के चले जाना, ठीक है। इस तरह से, और इसमें काफी कुछ तो मेरा ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, तो ड्यूरेशन फिक्स है, इट मीन्स ये पक्का 4 घंटे में होना है क्योंकि मैंने 4 घंटे में करवाया है, तो आप भी 4 घंटे में। सर जरूरत पड़ी तो आपका वीडियो रेफर कर ले कि बस वीडियो देखते हुए जाए तो भी चलेगा, हालांकि आप फास्ट फॉरवर्ड में भी देखोगे तो आपका 4 घंटे का 2 घंटे में हो जाएगा, पर मत देखना पूरा 4 घंटे देखना। ये मेरी स्ट्रेटजी है अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो। और सर अगर हम अपने हिसाब से चले तो इससे अच्छी बात है क्या, हर स्टूडेंट का अपना एक तरीका होता है, उनको मालूम है कि इस चैप्टर में मेरा थोड़ा सा वीकनेस है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसमें एक दो चैप्टर छोड़ रहे होंगे, तो ठीक है ना यार, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, ऐसा कुछ कोई इश्यू नहीं है, मैं तो चाहता हूं आप अपने तरीके से काम करें। और जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो एक मेरी पर्सनल सलाह है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पक्का है, अच्छी बात है यार, 30 नंबर है, पर अगर आप पहले उठा रहे हो तो तभी उठाना जब क्वेश्चन लगभग आपका देखा हुआ रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा सा क्वेश्चन डाल दिया पैराग्राफ और आपने उस क्वेश्चन को देखा नहीं है तो पढ़ने में बहुत ज्यादा समय जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव पहले खत्म कर सकते हो, अगर ऐसा कर सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यार नया क्वेश्चन नया पैराग्राफ पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम हमारा चला जाता है। ओके, बाकी आप डाउट्स वगैरह पूछिए, अभी तो पहले आपका 3 नवंबर का पेपर है FR, और उसके बाद तो बिल्कुल आप कॉल कीजिए, जो भी हो हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैराथन के अगर आपको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, पढ़ाई करो ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू, बाय बाय।